Panda. I got broads in Atlanta. Since the dog in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacy.
मेजर की फाइट वैनम के साथ, वैनम का डुओ ही है हंटर एंड साहिल के, नेड आया था बट हम्माद को पड़ेगा नहीं, वो विंडो पे लग के पीछे से लगाया वैनम, हंटर एंड साहिल दो प्लेयर्स है, 2v3 फाइट, साहिल के नेड जा रहे हैं, इधर हम्माद थोड़ा पीछे जा चुके हैं, साहिल अपनी स्टाइल के साथ ट्राई करेंगे क्या, हम्माद थोड़ा फ्लैंक करके आगे जा चुके हैं या राइट हैंड साइड से थोड़ा फ्लैंक करते हुए हम्माद, बट वहाँ से साहिल को स्पॉट हो चुके हैं, हम्माद फिर से फॉल बैक करते हुए, 14-48 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइस, टीम मेजर्स की फाइट है वैनम के साथ, क्लोज इन में काफ़ी, मेजर के सवाले यहाँ पे होल्ड करे हुए हैं, पिन करके रुके हुए हैं वो, मेजर ज़्यादा भी रुके हुए हैं, मेजर हमारा अपनी बगीले का थोड़ा सा फ्लैंक करते हुए, वैनम के हंटर एंड साहिल, आई थिंक सो साहिल ने देखा तो है मेजर हमाद को, फुल स्कारल के हाथ में है, बिल्कुल स्पोर्ट कर लिया है इनका फ्लैंक को, मेजर हमाद ने फ्लैंक किया है काफ़ी हद तक, काफ़ी दूर से M16 से नोक निकालने का ट्राई करेंगे वो, बट M16 विदाउट स्कोप विद आर हेड डोट, क्या यहाँ से दूर से बीटी दे सकते हैं, जी नहीं मेजर हम्माद, साहिल को भी बीटी नहीं दे सकते कि नेट जाएगा मेजर सवाले की और साहिल का, बट पड़ेगा नहीं उनको, नॉक कोई होने वाला है नहीं, ऑन द साइड डैडी के मोहित को भी नॉक कर दिया यहाँ पे वेजीटोपी ने, इंस्टेंट फिनिश ऑफ सी एच में वेजीटोपी, डैडी के साहिल को सपोर्ट किया स्कारल के साथ, वो भी नोक यहाँ से दे चुके हैं वेजीटो ओपी, यानी कि डैडी नूर इज अ लास्ट मिनट सर्वाइवल फॉर टीम सी एच बी, और यहाँ डैडी नूर ने सपोर्ट कर लिया वेजीटोपी को, काफ़ी हद तक लो भी कर दिया और यहाँ से वेजीटोपी फंसेंगे, डैडी नूर की पोजीशन काफ़ी अच्छी, अपर से यहाँ पे नोक एंड फिनिश ऑफ डाल दिया गया, बहुत ही अच्छा डैडी ने उन्हें अपनों के फिनिश ऑफ डाल दिया, डैडी साहिल को वो रिवाइव दे देंगे, टीम डैडी को फर्स्ट फोर किल्स होते हुए, लेकिन सी एच बी वेजिटो वेजिटो का एक अच्छा ट्राई ऑलमोस्ट 1v4 यहाँ पर लास्ट बंदा ही रहा था, बट दो किल वो लेके जाएंगे टीम डैडी के, डैडी इंडियन 46 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे, टीम रो की फाइट में इसके साथ एंगेज हो सकती है, काफ़ी एक दूसरे क्लोज है, टीम बोप के डैडी से फाइट लेने के लिए जाएगी, टीम एक्सपोर के भी जोन में रोटेट करेगी, 45 शो में लूट करिए, रेस 2.0 टीम एक्सआर 2.0 लूट करेगी, ग्रेवयार्ड का एरिया पिगाड़ो का टीम टी डब्ल्यू का भी एक्सआर है टीम सैन मार्टिन में, मेजर्स के प्लेयर्स बॉर्डर टीम में हंसी अंडा का एक दूसरे क्लोज, मेजर वर्सेस आनंद देखने को मिला, टीम फोन इस लाख ओवरियर से रोटेट कर चुके हैं, टीम सर के हमाद अभी थोड़ा और क्लोज करते हुए काफ़ी हद तक काफ़ी पीछे जा चुके हैं, वैनम के साथ फाइटिंग है, टू बी टू ही रहेगी अभी तो, पीछे से मेजर हमाद भी टी दे सकते हैं, फुल का जो फ्लैंग है वो बी टी दे सकता है, वैनम साहिल वहाँ पे क्रॉस करते नजर आए थे, वेयर हाउस है और वैनम हंटर जो ऊपर चढ़े हुए हैं स्पॉट हो चुके हैं यहाँ से मेजर हम्माद को, और यहाँ से बहुत ही अच्छा M16 की एक्यूरेसी देखने को मिलती हुई, वैनम हंटर गेट नॉक डाउन, साहिल इज द लास्ट मैन सर्वाइवल और साहिल के ऊपर होगा चार्ज इन मेजर्स के प्लेयर्स का, ज्यादा एंड सवाले जा चुके हैं, पीछे से हम्माद आ रहे हैं बहुत ही तेजी में, यानी कि होल्ड करेंगे या मेजर्स स्लैम देगी, पूरा क्लोज इन करती हुई मेजर्स सैद द एंट्री फ्रैगर एंट्री लेते हुए सामने ही है सवाल के बैरल के साथ, लो करेंगे सवाले को बट किल भी जाएगा सवाले को, एक हम को एक सवाले को, टीम मेजर्स ने फर्स्ट 3 किल्स उठा लिए हैं, 12-44 प्लेयर्स बचे हुए, टीम वैनम गेट एलिमिनेटेड, टीम रो के प्लेयर्स प्लेयर लूट करते हुए नॉर्मल ड्रो प्रो के क्लाउस एंड लव आई थिंक सो या टॉक्सिक एंड चार्ली के साथ है, 12-44 प्लेयर्स स्टिल लाइव इन द जोन, नेक्स्ट जोन हमारा बनेगा यानी कि सेकंड जोन हमारा बनेगा, मेरा माँ अपर साइड प्लेयर के पेटी लूट करने का ट्राई करेंगे बट वो प्लेयर ऑलरेडी नीचे जा चुका है, मेजर्स वाले बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, पेटी लूट कर रहे हैं बट खबर कोई नहीं दे रहे कि वहाँ पे पेटी है, फिलहाल मेजर हम अब आएंगे उस पेटी को लूट करेंगे, लेकिन ऑन अदर साइड टीम टी डब्ल्यू पिकाडो से रोटेट कर रही है, हाँ फाइट बन सकती है टी डब्ल्यू वर्सेज रेज, ड्रॉप के लिए वो आई है, ड्रॉप रुकने के लिए रुके भी हैं, सामने ही है रेज के हिटमैन, M4 के साथ इस पे डाउन करेंगे टीम टी डब्ल्यू के प्लेयर्स की व्हीकल्स पे, ऑलरेडी एक व्हीकल तो बहुत ज़्यादा लो है, हिटमैन रेज हिटमैन को भी पड़ेगी इस कारल की, M24 पर स्विच कर चुके हैं, M24 पर एडेक्स डीसी हंटर का ओम का फटका पड़ेगा यहाँ, लेकिन रेंज निंजा गेट नॉकडाउन ऑन अदर साइड ऑफ लेजिट, भाई निंजा भाई इस पोजीशन में काफ़ी टाइम मुझे मैंने नोक देखे हैं इस जगह पर, एक बार मोक के प्लेयर से भी नोक हुए थे, रेंज निंजा रेंज हिटमैन की वही पोजीशन थी, रोहित कहेंगे जो पीछे की ओर है लेजिट फिनिश ऑफ करने के लिए आ रहे हैं, M24 का फटका पड़ा जरूर है रेंज हिटमैन का, पीछे से रैंक देंगे स्प्रे एंड लेजिट ऑन डाउन हो जाएंगे एक बग्गी के पीछे, फर्स्ट एड लगाएंगे अपने आप को और रेज निंजा कुछ टिकटॉक करते हुए लेजिट के साथ, रेज हिटमैन ऑल्सो गेट नॉक डाउन बाई राइडर ओपी एंड टी डब्ल्यू के निंजा सॉरी रेज निंजा ओपी पड़े हुए हैं, रेज क्रैंकी यहाँ है, रेज भाव है, रेज हिटमैन का किल कन्फर्मेशन हंटर ने ले लिया, रेज क्रैंकी एंड भाव दो ही प्लेयर्स बचे हुए टीम रेज के लिए, आइए
लेजिट यहाँ 77 एसी डेल्टा को भी नॉक दे देंगे और पीछे आ रहे स्क्रैंकी एंड भाव 77 एसी जैक को करेंगे नॉक लेजिट फिर से और एम फोर का स्पेयर पड़ेगा रेज क्रैंकी का नॉक करेंगे क्रैंकी क्रैंकी वन टे फिनिश ऑफ डालने का ट्राई जो कि पूरा भी हो जाएगा यहाँ पर एंड टीम रेज के प्लेयर 77 एसी के रेज भाव दे रहे हैं वन टे पिछपोर्ट और यहाँ से टीम टीम 77 ऐसे इन्फिनिटी से लास्ट में सर्वाइवल टीम 77 ऐसे के लिए इन्फिनर निकालना चाहता है वहाँ से व्हीकल लेकर पड़ेगी उसकी व्हीकल को रेज क्रैंकी और भाव के खाते में जाएगा फिलहाल फायर कंटिन्यू इन्फिनर काफ़ी लो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा रेज के भाव यहाँ पे नॉक आउट करेंगे 11 टीम 36 प्लेयर्स अलाइव हैं टीम रेज 3-2 यहाँ पर सो 2 बचा हुआ है ओके प्लेयर्स यहाँ पे लेंगे फाइट बो फर्कस ने यहाँ पर एक अदर साइड किल कंफर्मेशन लिया है जोन बन चुका है हमारा टीम डाडीज के प्लेयर्स हैं डुओ मौजूद एंड 11 टीम 35 प्लेयर्स स्टिल इन द जोन गाइस टीम टीडब्ल्यू का डुओ टीम रेज का डुओ यहाँ पर एक इशू होता हुआ दोनों टीम्स के बीच यहाँ शायद से टीम अप करना चाहते थे ग्यारह टीम्स 35 प्लेयर्स बचे हुए हैं मेजर्स के प्लेयर्स रोटेट करते हुए दोनों के अंदर टीम डैडी के प्लेयर्स टीम रो के काफी क्लोज है डैडी के साइल वहां से रोटेट करते हुए जस्ट वहां पर मौजूद है टीम डैडी के साइल वहां से निकलते हुए और साहिल एंड और दो प्लेयर्स हैं डैडी के साहिल एंड डैडी के नूर दो प्लेयर्स बचे हुए हैं चार किल्स हैं यहाँ पे ग्यारह टीम्स 35 प्लेयर्स टीम बॉफ के क्लोज में 5 टीम मेजर्स के प्लेयर्स भाव नोक हो चुके हैं लो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा एंड क्रैंकी एंड भाव दो प्लेस बचे हुए हैं राइडर ओपी एंड हंटर दो प्लेस रेज क्रैंकी एंड रेज भाव दो प्लेस रेज के बचे हैं टी डब्ल्यू कर राइडर ओपी एंड हंटर ओपी जोन हमारा बन चुका है लॉस ने उसको फेवर करता हुआ जोन एंड ये आउट ऑफ द जोन होते हुए टीम्स दोनों ही टीम फोनेक्स के प्लेस पावर के रखा है एरिया टीम एच फोर के रोटेट कर चुकी है ऑलमोस्ट सारी टीम जोन के अंदर है बस ये तीन टीम्स को छोड़कर फिलहाल हंटर एंड टी डब्ल्यू के प्लेयर्स दोनों ही प्लेयर राइडर एंड हंटर निकलते हुए डैडी के नूर गेट नॉक डाउन बाय मेजर हमाद डैडी के साहिल को यहाँ पर रुके हैं डैडी साहिल मेजर्स के तीन प्लेयर सामने हैं यहाँ पर
जिसके प्लेस को स्पॉट किया है। डैडी नूर को नॉक किया गया था मिर्जा आजाद की ओर से, फिनिशो भी डाल दिया गया। डैडी की साइल है लास्ट में सर्वाइवल फॉर टीम। डैडी एंड मिर्जा हमाद को सपोर्ट किया उसने और काफ़ी हद तक लो भी कर दिया। स्मोक के सारे अभी बचे रहेंगे मिर्जा हमाद, लेकिन यहाँ से डैडी के साहिल को सपोर्ट, वो फर्कस एक सार स्कल को नॉकआउट करेगा। बॉब शाह निकिंग एंड पी को करेगा फिनिश ऑफ। एंड टीम बोवर सिस्टम एक सार 2.2 स्कल नॉकआउट हो चुका है। मैगनस एंड प्रीत दो प्लेयर्स बचे हुए हैं टीम बोवर एक्सक्लोजिन में। प्रीत एंड मैगनस दो प्लेयर्स बचे हुए हैं एक सार 2.2 के। फर्कस नोक है वो रिवाइवल हो जाएंगे। खजामा एंड बॉब शाह दो प्लेयर्स हैं। बोपशा का ये गेन नेट फर्क यहाँ पर ऊपर मैगनस को देगा भी थी, काफ़ी हद तक लो किया गया है। बोपशा का काफ़ी अच्छा गेन नेट था वो। इसका यहाँ पर रिवाइवल है जुगेडेबल प्रेत को, यानी कि तीनों ही प्लेयर्स यहाँ पर फायर लेंगे। टीम बोवैक्स के प्लेयर्स के पास हो चुके हैं तीन किल्स। टीम एक्सार यहाँ पर मुझे इधर रोके प्लेयर्स में जैसे वाले गनों करेंगे। रोला मेजर जाद लेके नॉकआउट देंगे अपने अपने प्लेयर का फायदा देते हुए। रोल आपको नोगा एंड फिनिश ऑफ डाल के मेजर जाद सोले नॉकआउट पड़े होंगे। जाद का भी हद तक लो है। टीम लो क्या अपने टीम मेट्स को देगी कवर। 11 टीम 32 प्लेयर्स बचे हुए हैं। ऊपर से आएंगे मेजर्स को बीटी देने के लिए डैडी के प्लेयर्स, लेकिन मेजर्स के और ही क्लोज में है। टीम रो का चार्ली जो रो के लिए अभी खेल रहा है, टीम रो के बाकी प्लेयर्स फिनिश ऑफ हो चुके हैं। नोगन फिनिश ऑफ तो अकेला प्लेयर चार्ली बचा हुआ है टीम रो के लिए। लव ने रोक दिया तो सवाले को फिनिश ऑफ नहीं कर पाए। जैद का कवर फायर के चलते नीचे एक्सआर के प्लेयर्स भी आ चुके हैं जो टीम मेजर्स को सैंडविच सिचुएशन मुझे बनते हुए नजर आ रहा है। क्या ये सैंडविच हो जाएंगे मेजर्स के प्लेयर्स या बिल्कुल हमाद को पीछे से पड़ेगी टीम एक्सआर के प्लेयर्स की ओर से। हमाद गेट नॉक डाउन एक्सआर सरकार की M4 के साथ। पीछे से कवर फायर दिया जा रहा है, एक्सआर सरकार को नोक दे सकते हैं। वो फर्कस को नोक देंगे उन्होंने साइड डबल प्रीत एंड एक्सआर सरकार उसका दोनों को पड़ेगी। ऊपर डैडी साहिल नीचे है टीम लो के चाली और पीछे है टीम एक्सआर के प्लेयर्स। बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सआर 2.2 गेट एलिमिनेटेड बाय बॉब। क्या बॉब के प्लेयर्स ने एलिमिनेट कर दिया टीम एक्सआर 2.2 को। मिस्टर हमाद को रिवाइवल देने के लिए कोई प्लेयर जाने वाला है या नहीं वो देखने को मिलेगा। टीम एजेस की ओर से ग्रेनेड आएगा। मैडम के टैडी के साइल का एक अच्छा ग्रेनेड था वो, बट लो ही करेगा नॉक नहीं। मिस्टर जाद स्मोक के वॉल बनाकर अभी आगे जाते हुए ऊपर से टैडी के साइल कंटिन्यू ग्रेनेड डाल रहे हैं मोनोडोल की ओर से। मिस्टर जाद को सपोर्ट करेंगे काफ़ी हद तक लो भी किया है। हिल करके वो जाना चाहेंगे मिस्टर हमाद की ओर या नहीं। जहाँ फाइट इग्नोर करके टीम वेज जोन पकड़ चुकी है। टीम TWB ओर में जोन पकड़ेगी। टीम एक्सआर के प्लेयर्स कंटिन्यू दे रहे हैं बी टी। मेजर के ज्यादा जो रिवाइव देने के लिए जा रहे थे मिस्टर हमाद को वो भी हो चुके हैं नोक। सवाले जलास में सर्वाइवल डैडी के साइल को स्पॉट करेगा, किल भी लेके जाएगा बट पीछे से स्टिल पड़ेगी टीम मेजर के। सवाले को ज्यादा का किल कन्फर्मेशन ले लिया है एक्सआर सरकार ने। मिस्टर हमाद स्टिल नोक पड़ा रहेगा। सवाले आई थिंक सो ट्राई करने वाला है या नहीं। बैंडेजेस ही हैं उसके पास हीलिंग के लिए। 11 बैंडेजेस अपने आप को लपेटता हुआ नजर आ रहा है वो। क्या जोन जाने वाला है, क्या जोन पकड़ने वाला है एक्सआर के प्लेयर्स भी थोड़ा क्लोज करते हुए। मेजर साले अभी पूरा होल्ड करे हुए हैं। 8 बैंडेजेस उनके पास है, मे भी पॉसिबल हो किल। जी हाँ बिल्कुल जोन तो नहीं पकड़ सॉरी रिवाइव तो नहीं हो सकते थे, लेकिन एक्सआर के प्लेयर जोन पकड़ चुके हैं। चार्ली भी जोन पकड़ चुके हैं अदर साइड। मेजर साले जो सोलो प्लेयर बचा हुआ है 1v4 सिचुएशन किलर ओपे को करेगा स्पोर्ट। M4 4X के साथ नोक भी दे देगा सरकार जैसे सामने। रैम्पेज गन हो जाएगी रिलोडिंग रैम्पेज की ओर से। रैम्पेज को भी नोक करेगा मेजर साले बट एक्सआर सरकार करेगा उसको नोक सीधा फिनिश ऑफ। टीम एक्सआर के प्लेयर्स दोनों पड़े हुए थे बट दोनों प्लेयर जो नोक वो रिवाइवल मिल जाएंगे। चार्ली या थर्ड पार्टी का रोल अदा करने के लिए जाएगा। बिग डैडी डीसी हंटर को नोक कर चुका है टीम फोन एक्स के प्लेयर्स। TW राइडर ओपी सलास में सर्वाइवल फॉर टीम TW। 11 किल्स हो चुके हैं टीम TW के। 8 टीम्स 23 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टीम बॉब के पास भी 7 किल्स है। TW का सोलो प्लेयर बचा हुआ है। रो का चार सोलो प्लेयर बचा हुआ है टीम रेस 2.0 के। चारों प्लेयर्स एक किलो उनके पास है। 8 टीम्स 23 प्लेयर्स बचे हुए जिसमें रेज 2.0 H4 के फोनिक्स बॉब TW रो XR ये सारी टीम्स हमारी बचती हैं। रोटेट कर रही हैं टीम जोन के अंदर। टीम H4 के ने कोई फाइट ली नहीं है जोन के अंदर बैठे हुए रहे होगा ट्रैफिक स्मोकी एंड किलर के साथ। एट टीम्स 23 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे ट्रैफिक एंड रेयोगा स्मोकी क्लर ये चारों ही प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है। टीम के फिलहाल राइडर ओपी एज ऑफ द जोन बैठे हुए लेकिन वन ऑफ द साइड टीम एक्सआर को जोन पकड़ना है। पेटी ही लूट कर रही है। चार्ली पूरा वहाँ पर होल्ड डाउन करे हुए हैं। क्या कोई मौका छोड़ने वाला है चार्ली। सामने स्पॉट हो जाए प्लेयर एक्सआर के तो बिल्कुल मेरे हिसाब से छोड़ना चाहेगा नहीं, लेकिन पीछे जा रहा है वो एक्सआर के प्लेयर सरकार आउट ऑफ द जोन ही है। जीलियस अभी हील कर रहे हैं अपने आपको अपनी व्हीकल्स पे जाते हुए। एक्सआर की सरकार अपनी व्हीकल कर चुके हैं पिक एंड रैम्पेज भी जाते हुए अपनी व्हीकल बस पे।
रोका चार्ली जाता हुआ जोन के अंदर एंड उसी के साथ टीम एक्सआर के प्लेयर्स भी पकड़ रहे हैं जोन। 17-22 प्लेयर्स बचे हुए हैं, जॉनसन को रोक देंगे बॉब की कजामा जो टीम रेस टू पॉइंटो का प्लेयर है। M24 का फटका पड़ेगा बॉब कजामा का एंड नॉकआउट हो जाएंगे वो। रेस टू पॉइंटो अभी होल्ड कर रही है एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन में रेस के भाव आप अकेले आए हैं क्या? जी हाँ, क्रैंकी भी नोकैन फिनिश हो चुके हैं। रेस भाव अपर साइड जाके जोन की एज पे यहाँ पर होल्ड करते हुए टॉप सेवन में तो वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर देती हुई पूरा स्प्रे व्हीकल के ऊपर एक्सआर के प्लेयर्स को, रैम्पेज को करेगी नोक। रेज गूस को चार्ली ने फिनिश अप डाल दिया, नो किसी ने डाला था, बॉब शाह के प्लेयर्स। शाह की बात कर ली जाए ठाकुर की, वो मिनी फोर्ट बात काफी लो किया गया था लेकिन एक्सआर के रैम्पेज को नो करेंगे चार्ली। कजामा का वो पड़ेगा M24 का बढ़गा जिसमें चार्ली फिनिश हो जाएंगे। टीम बॉब एक्स के पास 9 किल्स हैं, दे हैव 9 किल्स। टीम एक्स आर 2 प्लेयर्स के साथ बची हुई, 3 किल्स हैं उनके पास जो उनके अंदर आगे बैठे हुए। सरकार की पोजीशन बिल्कुल सेफ नहीं है, एक डिप में वो जीलिया जहाँ पर है वो एक सही पोजीशन है वैसे, लेकिन वो भी एक खराबी लगेगी। एक्सर सरकार स्पोर्ट कर चुके हैं बॉब शाह को, रेडोड के साथ स्प्रे दिया, हद काफ़ी हद तक लो किया है उनको। H4K के प्लेयर्स रोटेट करते हुए जोन के अंदर एक अच्छा व्यू लेते हुए, एक अच्छा होल्ड पकड़ते हुए। 6 टीम्स 18 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइस। टीम रेस का भाव अकेला जोन पकड़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। H4K के प्लेयर जोन पकड़ चुके हैं, टीम XR जोन में है, टीम बॉब जोन में, रेस 2.2 जोन में। 5 टीम्स हमारी हैं और एक रेस की टीम, यानी कि 6 टीम्स 18 प्लेयर, जिसमें एक सोलो, एक डुओ, एक ट्रायो और 2 फुल स्क्वाड मौजूद। इस पर डाउन होता हुआ यहाँ पे H4K की बारी किल लेने की यहाँ से, किल क्योंकि अभी तक फुल ऑन कोई फाइट निकाली नहीं थी। सेफ गेम ली, सेफली यहाँ पे गेम चला रहा था। रोटेशन के भी टीम बॉब एक्स के प्लेयर्स की बात करो तो 9 किल्स इनके पास, जॉनसन को नोक देंगे M24 के साथ बॉब शाह। टीम बॉब एक्स के प्लेयर्स यहाँ M24 2 प्लेयर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, कजामा एंड बॉब शाह। जामा बुरा एक होल्ड लेके बैठे हुए एक्सआर के प्लेयर्स थोड़ा क्लोज करते हुए, बहुत ज़्यादा लो एक्सआर सरकार को किया गया है। टीम रेस 2.0 का बीटी दे सकते हैं यहाँ पे एक्सआर सरकार जिस पोजीशन में आए, नीचे ही जतिन बोलते जो व्हीकल के ऊपर बैठे हुए हैं। एक्सआर सरकार ने क्या सपोर्ट किया है उनको, क्या सपोर्ट तो किया है, व्हीकल बहुत ज़्यादा लो है, वो व्हीकल को डिस्ट्रॉय करके किल ले सकते हैं। जतिन बोलते का फिलहाल कंटिन्यूस पे डाउन हो रहा है लेकिन सरकार को पड़ेगी, सरकार को अभी अब तक लो भी गया। टीम फोन एक्स के प्लेयर्स की बात कर ली जाए तो टीम रेस के भाव 2 किल्स लेते हुए फोन एक्स के प्लेयर्स के, लेकिन इंस्टेंटली होला की ओर से फिनिश ऑफ कर दिए गए। टीम फोन एक्स के 2 प्लेयर्स सुनो कैन फिनिश ऑफ हो गए टीम रेस की ओर से। रेज हैशटैग 6 पे एलिमिनेट हो जाती है यहाँ से। 5 टीम्स 15 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे इस गेम के अंदर। 5 टीम्स 15 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइस। H4K प्लेयर्स की बात कर लो तो रहेगा क्लियर ट्रैफिक एंड स्मोकी अभी बुरा जोन के एज पे वो है। दूसरी साइड टीम बॉब एक्स भी जोन के एज पे है, 9 किल्स उनके पास है, स्मोकी का सपोर्ट कर रखा है। बिग डैडी ने स्प्रे M4 का जा रहा है। XR के प्लेयर्स की बात कर लो, सरकार नॉकआउट पड़े हुए हैं, जोन के बाहर हैं। जीलियस शायद रिवाइव के लिए अपनी व्हीकल लेके आने वाले। रेस 2.0 3 किल्स हैं उनके पास और 3 प्लेयर्स के साथ लाइव। टीम फोनिक्स डुओ है उनका, जोन पकड़ना चाहेगी रयोगा की एंट्री, रयोगा की साइड से। रहेगा स्पोर्ट करने का ट्राई करते हुए वहाँ से, अगर वो नोक हो जाते हैं तो टीम फोनिक्स इन्हें ईजी वे जोन रोटेट कर देगी। एक कैम एंड मिनी है यहाँ पर डेड शॉट के पास और होला के पास है M4 जो इस पर डाउन कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन पड़ेगी रहेगा को उनकी। या बिल्कुल एक सही पोजीशन थी, मैं बोल रहा था रहेगा कि एक M4 विद 3x यहाँ पर नोक देते हुए 28 सेकंड बाद टीम फोनिक्स को जोन जाना है। एक नोक उन्होंने भी ऑलमोस्ट दे दिया था वैसे तो टीम XR की, और ही फिलहाल रेवा कंटिन्यूस पर डाउन कर रहे हैं, जोन भी उनको पकड़ना है। टीम H4K के प्लेयर्स के पास जोन अच्छा है, अपर साइड में कवर देगी उनकी टीम। टीम रेस 2.2 एंड टीम फोनिक्स स्मोक कर चुकी है, जोन कौन सी टीम पकड़ने वाली है वो देखने को मिलेगा। अभी डेडशॉट हिल लूट कर रहे हैं, एक पेटी जो उनको दी गई है बॉब शाह। जीलियस को करेंगे फिनिश ऑफ, यानी कि टीम का खात्मा होता हुआ यहाँ से। टीम फोनिक्स जोन के लिए निकली अपनी बग्गी लेकर और रयोगा वहाँ से स्पोर्ट कर चुके हैं बग्गी में। डेडशॉट को लो करेंगे यानी कि नॉक करेंगे रयोगा। फोनिक्स वाला आ चुके हैं क्लोज इन में,
जोन का डैमेज ऑलरेडी बढ़ेगा फोनिक्स के प्लेयर्स को, और जोन से पहले ही स्मोकी ने वो किल कन्फर्मेशन लेके बता दिया अपने गेस्ट। फिलहाल रेस टू पॉइंट हो गए, ठाकुर आते हुए काफ़ी हद तक क्लोज, टीम एच फोर के गए, नेट को खो चुका है स्मोकी का, जोन से वो कट रहे हैं, जोन पकड़ना चाहिए वैन चीज़ तो भी पॉसिबल है, लेकिन ऊपर से 90s के क्लर देंगे बॉप के बिग डैडी को, नो को ट्रैफिक देंगे यहाँ पर ठाकुर को, नो यानी कि अपनी टीम को कवर फायर देते हो फिलोन फ्लोर, ठाकुर को करेंगे फिनिश ऑफ आमिर भाई यहाँ से, स्मोकी गेट नो डाउन विद द प्ले जोन, क्या वो जोन टच कर पाएंगे, जी हाँ जोन से निकल पाएंगे स्मोकी, 90s का क्लर बिग डैडी को भी कर, जी हाँ यहाँ से फोर के क्लर बिग डैडी को फिनिश ऑफ कर चुका है, जतिन बोलते हैं यानी कि टीम रेस टू पॉइंट होगा भी खत्म होता हुआ, टीम एच फोर के पास चार किल्स होते हुए, जोन उनके पास, नेक्स्ट जोन में उनके पास टीम वो मैक्स थ्री मैन स्क्वाड है, वो सामने रवि होगा स्मोकी को रिवाब दे चुके हैं, चारों प्लेस के पास एक एक किल, क्या यहाँ से 7 किल चिकन ले पाएगी टीम एच फोर के, या यहाँ से 16 किल चिकन ले जाएगी टीम वो मैक्स, लेट्स सी यहाँ पर क्या रहता है। फिलहाल तो रोटेट कर रहे हैं जोन के अंदर जाने का ट्राई टीम बॉब के, बोबैक्स रिप्लेस कर रहे हैं फरकस का जामा एंड बॉब शाह, 3v4 फाइट फिर यहाँ पर रहने वाली है, कजामा फुल ऑन ओपन में स्पॉटेड थे, रहे होगा एक अच्छा नोक देंगे कजामा को, एक अच्छा नोक उन्होंने दे दिया है, तो 2v4 फाइट है सामने, क्या स्लैम करेगी टीम एच फोर के, स्मोकी एंड ट्रैफिक वो दोनों प्लेयर्स भी होल्ड करे हुए हैं, ग्रेनेड्स यहाँ पर डाले जा रहे हैं, प्री ग्रेनेड्स के रूप में काफ़ी ग्रेनेड्स डाल दिए गए हैं यहाँ पर ट्रैफिक भाई की तरफ से, आमिर भाई काफ़ी ग्रेनेड डालने में मशहूर, इतने फ्री ग्रेनेड्स आमिर भाई की तरफ से देखने को मिलते हुए अलग अलग पोजीशंस में, लेकिन ग्रेनेड्स और मोनिटोल तो टीम बोमैक्स की तरफ से भी आ रहे हैं, चार्जिंग करते हुए ट्रैफिक आगे टीम बोमैक्स के, बॉब शाह को करेंगे नोक, इंसेंटिव प्रोन होकर अपने पर जाएंगे वो फर्कस को स्पोर्ट करेंगे, ट्रैफिक रहेगा करेंगे वो फर्कस को नोक, कदम है लास्ट में सर्वाइवल और वो किल भी जाएगा टीम एच फोर के को, टीम एच फोर के गेट अ चिकन डिनर विद एन 7 किल्स, ओपी गेम प्ले बाय एच फोर के रहेगा ट्रैफिक किलर एंड स्मोकी, सेकंड पोजीशन पर टीम बोमैक्स आती हुई विद एन 12 किल्स, थर्ड पोजीशन पर टीम एच रेस 2.23 किल्स के साथ, टीम फोनिक्स आती हुई 4 पोजीशन विद एन 2 किल्स, टीम एक्सआर आती हुई 6-3 किल, फिफ्थ पोजीशन टीम रेज आती हुई 8 किल 6 पोजीशन एंड टीम रो 1 किल के साथ 7 पोजीशन एंड ऑल।